physics art thi Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. Abhi question number 17 dekh lo jo aaya tha mera 2015 mein. Question number 17 kya bol raha hai? Bol raha hai in a pipe open at both ends N1 and N2 with the frequencies corresponding to vibrating lengths L1 and L2 respectively. The end correction is आपका ऑप्शन है. ऑप्शन है N1 L1 minus N2 L2 divided by 2 into N1 minus N2. B ऑप्शन is N2 L2 minus N1 L1 divided by 2 into N2 minus N1. C ऑप्शन is N2 L2 minus N1 L1 divided by 2 into N1 minus N2. C option is N2 L2 minus N1 L1 divided by N1 minus N2. चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं. इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड N1 एंड N2 विद द फ्रीक्वेंसीज कॉरिस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेटिंग लेंस L1 एंड N2 रेस्पेक्टिवली. तो आपका एक ट्यूब है L1, अनदर ट्यूब का लेंथ है L2, N1 इज इसका फ्रीक्वेंसी, N2 इज इसका फ्रीक्वेंसी. अभी देखो जब टू एंड्स, जब वन एंड ओपन होता है ना, वन एंड ओपन है या टू एंड ओपन है, वट एवर बी द केस, इधर एंटीनोड बनेगा. नोड नहीं बनेगा, एंटीनोड बनेगा. एंटीनोड ना सब इधर नोड बनता है. एंटीनोड मैं बार बार दिखा रही हूँ, ऐसे बनता है. एक्चुअली ऐसे नहीं बनता. एक्चुअली ना कि एंटीनोड वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर बनता है, इधर बनता है. इधर गुस्सा आया, गुस्सा मत करो. थोड़ा सा ऊपर, इतना ऊपर बनता है. ये वाला जगह को हम एंड करेक्शन ई बोलते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है. ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर के साथ ही रिलेटेड है. ई इज 0.3 डायमीटर. कैलकुलेशन करके निकल दिया. लेकिन हम इसको जनरली कंसीडर नहीं करते, ठीक है. दिस इज अवर एंड करेक्शन, ठीक है. अभी अगर दोनों साइड ओपन है, दोनों साइड ओपन है, तो हमारा फंडामेंटल जो वेव बनता है वो कैसे बनता है? नोड अंदर आता है, ऐसे बनता है. एंड इधर भी ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है. एंटी नोड का पॉइंट इधर होता है. इधर इज योर ई. ई इक्वल टू 0.3 डी, ठीक है. तो दोनों साइड पे आपका थोड़ा सा एंड करेक्शन होता है. एंड दिस पार्ट इज योर एल. सो टोटल इज एल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स कितना हो गया? L plus 2E हो गया. इतना ठीक है ना? इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है ना? तो L जो आपको दिखाई दे रहा है, टोटल L अगर कैपिटल L1 लिखो, इट विल बी L1 प्लस 2E. इन दिस केस टोटल लेंथ L, L2 लिखो, तो दिस विल बी L2 प्लस 2E. समझ में आया? Why 2E and E क्या है? E is the end correction. अगर एक साइड ओपन एक साइड क्लोज है तो ओनली वन एंड करेक्शन होगा. अगर बोथ साइड्स आर ओपन तो दो जगह पे एंड करेक्शन होगा, तो 2E आएगा. क्लियर? क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अभी मैं क्या करती हूँ, इसमें मेरा जो क्वेश्चन है, इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स N1 एंड N2 बी फ्रीक्वेंसीज कॉरिस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेटिंग लेंथ L1 एंड L2. मैं N1 N2 को मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लेती हूँ. तो दिस इज माय केस. इधर नोड बना, इधर नोड बना, ठीक है. ये वाला चीज क्या है? दिस इज लैम्डा बाई 4. तो लैम्डा बाई 2 है.
इधर भी लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू है, थोड़ा सा ऊपर से आओ, थोड़ा सा नीचे तक जाओ, थोड़ा सा ऊपर से आओ, थोड़ा सा नीचे तक जाओ, ई कवर करने के लिए। तो इन फर्स्ट केस लैम्डा बाई टू इज योर एल वन प्लस टू ई। इन सेकेंड केस दिस इज लैम्डा वन बाई टू। सेकेंड केस में लैम्डा टू बाई टू इक्वल टू एल टू प्लस टू ई। दिस इज योर लैम्डा बाई फोर, दिस इज योर लैम्डा बाई फोर, करेक्ट। अभी ए एंड करेक्शन ले लिया, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। ए जो ए वाला बीच पॉइंट से जो एक्सटेंशन किया, ई पॉइंट इज ई एंड करेक्शन। तो आपका दो इक्वेशन ऐसे ऐसे बन गया, ई इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन जनरली होता है 0.3 डी। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बाद में कभी लग सकता है। एक नंबर इक्वेशन एंड दो नंबर इक्वेशन डिवाइड कर दो, वन डिवाइडेड बाय टू कर लो, तो लैम्डा वन बाई लैम्डा टू आ जाएगा इक्वल टू एल वन प्लस टू ई डिवाइडेड बाय एल टू प्लस टू ई। क्रॉस प्रोडक्ट एल लैम्डा वन एल टू प्लस लैम्डा वन टू ई इक्वल टू लैम्डा टू एल वन प्लस टू ई लैम्डा टू। ई एक साइड ले लो, तुमको तो ई निकलना है। ई अगर एक साइड ले लो तो टू लैम्डा वन है, टू लैम्डा वन, इधर से टू लैम्डा टू, माइनस टू लैम्डा टू, रहे क्या लैम्डा टू एल वन माइनस ए वाला आएगा लैम्डा वन एल टू। तो ई कितना हो जाएगा लैम्डा टू एल वन माइनस लैम्डा वन एल टू डिवाइडेड बाई टू ऑफ लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। है कोई ऑप्शन? नीचे टू वाला तो तीनों है, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू नीचे चाहिए था। अच्छा एक तो एन के टर्म्स पे है, मैंने तो लैम्डा के टर्म्स पे निकाल दिया, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आगे भी कर सकती थी बट कर दिया तो अभी कर लेती हूँ। लैम्डा और एन का क्या रिश्ता है? भी इक्वल टू एन लैम्डा, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर ले लू मैं, ये वाला जगह ले लेती हूँ। E इक्वल टू मुझे मिला लैम्डा टू एल वन माइनस लैम्डा वन एल टू डिवाइडेड बाई टू ऑफ लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। इसको वन अपन एन से चेंज करती हूँ, सो लैम एल वन बाई एन टू माइनस एल टू बाई एन वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन अपन एन वन माइनस वन अपन एन टू। क्लियर? बिल्कुल क्लियर मेरे ख्याल से, कोई गड़बड़ नहीं किया मैंने, लैम्डा की जगह वन अपन एन कर लिया, कर लो एन वन एन टू। सो एन वन एल वन एन वन माइनस एन टू एल टू डिवाइडेड बाय एन वन एन टू, ये तो नीचे कटिंग हो जाएगा, टू इंटू एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड बाय एन वन एन टू। एन टू तो निकल ही गया, रह गया एल वन एन वन माइनस एन टू एल टू डिवाइडेड बाय टू ऑफ एन टू माइनस एन वन। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एन वन एल वन माइनस एन टू एल टू डिवाइडेड बाय टू ऑफ एन टू माइनस एन वन है। एन वन रुक जाओ, एल वन एन वन कभी भी नहीं है, उल्टा किया इनको, तो उल्टा मैं भी कर लेती हूँ। एन वन एन वन माइनस एन टू टू, इसका तो नेगेटिव साइन में गड़बड़ हो गया, ये अगर उल्टा कर देती हूँ तो इसका भी नेगेटिव साइन में गड़बड़ हो जाएगा। इसका ऊपर उल्टा किया, नीचे भी उल्टा किया, दिस इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज कमिंग राइट। देखो उल्टा कर लो, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, एन टू एल टू माइनस एन वन एल वन डिवाइडेड बाई टू ऑफ एन वन माइनस एन टू। देखो आ रहा है एन टू माइनस एल वन डिवाइडेड बाई टू ऑफ एन वन माइनस एन टू। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? समझ में आया मैंने क्या क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड करेक्शन समझना था। इफ दिस इज एल, फिजिकल लेंथ इज एल, तुम्हारा एक्चुअल एंटीनोड बनता है
थोड़ा सा ऊपर, दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज कॉल्ड ई एंड करेक्शन. सो आपका एक्चुअल लेंथ है L1 प्लस 2E, इन दिस केस L2 प्लस 2E. फिर तो आपको पता ही है मैंने क्या क्या किया था. ये वाला चीज इज लैम्डा बाई 2, फिर से एक बार कर देती हूँ शॉर्टकट में. दिस इज लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, सो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L1 प्लस 2E. दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस इज लैम्डा 1 बाई 2 इज दिस, लैम्डा 2 बाई 2 इक्वल टू L2 प्लस 2E. 1 से 2 को डिवाइड किया था करके फिर मैंने इधर लाया था. तुम एट द बिगिनिंग ऑल्सो लैम्डा को n से कन्वर्ट कर सकते थे. ठीक है, समझ में आ गया मैंने क्या क्या किया. और इधर ए वाला पार्ट तो तुम्हारे मर्जी से करो, ए वाला पार्ट समझने का बात था. एंड करेक्शन समझ में आ गया ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लास्ट 20 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइक दिस. इफ बेनिफिटेड टू वॉच.